क्या मेरे को भी ले चलो गोली मार दो, क्या करना है मेरा, रहना यहाँ क्या रह गया बताओ। जब शक के दायरे में ही सारे काम हो रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो और मेरे को भी गोली मार दो, खत्म करो झंझटबाजी, ये क्या रहेगा। जो भी करना है हुकूमत करती रहेगी, कोर्ट कचहरी को छुट्टी दे दो, वो अपने घर को चली जाए। कल का मेरा लड़का भी भगा हुआ है इसी केस में, अगर उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा तो कैसे होगा, ये प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, किस प्रकार चलेगा ये हुकूमत क्या करना चाहती है। अब हम गरीब लोग अगर इस तरह शक के दायरे में मारे जाएंगे तो हम सब लोग मार दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। शक के दायरे में अगर मारना है तो मार दो, सबको मार दो, खत्म कर दो। सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया। सोमवार को एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की ज्वाइंट टीम ने आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। डकैती कांड में फरार चल रहे आरोपी अरवाज के पिता को भी अब बेटे के एनकाउंटर का डर सताने लगा है। यूपी तक की टीम अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के आशापुर रूरू गांव फरार आरोपी अरबाज के घर पहुंची, जहां बुजुर्ग पिता अकेले रहते हैं। यूपी तक की टीम ने अरबाज के पिता से खास बातचीत की। आरोपी अरबाज के पिता ने योगी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अगर सरकार को ही सजा देनी है तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अनुज का काउंटर कर दिया गया, कल का मेरा लड़का भी भगा हुआ है इसी केस में, अगर उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा तो कैसे होगा, ये प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, किस प्रकार चलेगा, ये हुकूमत क्या करना चाहती है। अब हम गरीब लोग अगर इस तरह शक के दायरे में मारे जाएंगे तो हम सब लोग मार दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। शक के दायरे में अगर मारना है तो मार दो, सबको मार दो, खत्म कर दो, पूरी दुनिया खत्म कर दो शक के दायरे। अरे कानून बना है, अदालत बनी है, अदालत के और कानून के अंदर ही भेजना चाहिए उसको, जो न्यायपालिका उसको, जो मजिस्ट्रेट उसको जो करेगा वो करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी हुकूमत से सब कुछ करने लगे है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद कल अनुज मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, दो इनकाउंटर हुए इसमें आरोपी आपके लड़के को भी बनाया गया, क्या कुछ था लड़का आपका, क्या लगता है आपको कितनी बड़ी घटना में वारदात में शामिल था, जिस तरह से पुलिस इसके वीडियो भी जारी की है कि अंदर घुसे हैं तो आपके लड़के अरबाज थे अंदर। अगर अंदर घुसे हैं मेरा लड़का अरबाज था तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए, उसको कोर्ट में देना चाहिए, कोर्ट उसका फैसला करता, जो भी फैसला होता उसको मैं सर आंखें पर रखता। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको ढूंढ ढूंढ के भगा हुआ है मुजरिम उसको ढूंढ के काउंटर कर दो, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए। और ये मैं मजिस्ट्रेट साहब से भी गुहार लगाता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये अदालत को ये नहीं ठेस पहुँचाना चाहिए कि जो भी करे ये प्रशासन ही करे। अदालत का क्या मतलब है, अदालत को छोड़ देना चाहिए, फिर खत्म कर दो अदालत को, अदालत का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो भी करना है योगी जी को करना है, योगी जी करते रहे, मोदी जी करते रहे, क्या करना है इसमें, हम गरीब आदमी पिसते रहेंगे इसी तरह से शक के दायरे में। इसको कंफर्म करके मारो तो मेरे को भी अच्छा लगे और पब्लिक को भी अच्छा लगे। शक में तुम लोग ऐसे गोली चला रहे हो, धार रहे हो, मार रहे हो, क्या कर रहे हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। मैं बुढ़ा आदमी, में तो चल भी नहीं सकता, कहीं घूम भी नहीं सकता, कहीं आ भी नहीं सकता, लीवर का परेशान आदमी हूँ, खेत गिरो रख के मैं किसी तरह से अपना पेट पाल रहा हूँ, अपना दवाई करा रहा हूँ, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरे घर के अंदर छत नहीं है, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं अपने घर की छत डालूं। ये क्या हो रहा है मेरे देश में, भगवान मैं जानता नहीं। उसकी बहन अनुज प्रताप सिंह की बहन थी, उसने एक कल अपील भी की है कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जो और आरोपी हैं उनका इनकाउंटर न करके जांच की जाए। उनकी बहन को लेकर कितना संतुष्ट है, कितना मतलब क्या कैसे देख रहे हैं? अरे उनकी बहन अगर ये कहती है जांच की जाए तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, जांच किया जाए, इसको न्यायाधीश में, न्यायपालिका में रखा जाए, इसको संसद में रखा जाए, इसकी जाँच किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर फैसला लिया जाए तो मैं भी खुश हूँ। अगर ये अपनी मनमानी फैसला हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सुल्तानपुर कांड में दो लोग मतलब ढेर हो चुके हैं, आपका लड़का भी इसमें आरोपी बनाया गया, कितना आप डर हैं, कितनी दहशत में कुछ है आप, क्या लगता? अरे मैं इतनी दहशत में क्यों, मैं तीन दिन से खाना नहीं खाया हूँ, पड़ा हूँ अपने खाट के ऊपर, कोई खाने बनाने वाला भी नहीं है, मैं अकेला बुढ़ा आदमी मैं पड़ा रहता हूँ, खिचड़ी उचड़ी बना के किसी तरह से मैं खा लेता हूँ, वो भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। क्या मेरे को भी ले चलो गोली मार दो, क्या करना है मेरा, रहना यहाँ क्या रह गया बताओ। जब शक के दायरे में ही सारे काम हो रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो और मेरे को भी गोली मार दो, खत्म करो झंझटबाजी, ये क्या रहेगा। जो भी करना है हुकूमत करती रहेगी, कोर्ट कचहरी को छुट्टी दे दो, वो अपने घर को चली जाए। अरबाज के पिता शान मोहम्मद ने
अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को गलत बताया और साफ कहा कि गुंडागर्दी करते हुए एनकाउंटर किया गया। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड में 5 सितंबर को मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया, 23 सितंबर को उन्नाव में एनकाउंटर हुआ और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मौत के घाट उतारा गया। सुल्तानपुर डकैती कांड में 1,00,000 के 3 आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। अंकित यादव, फुरकान और आरोपी अरबाज को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है। चारों तरफ इन फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अब अरबाज के पिता को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।